अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल अपना गांव। जैसे कि पता ही होगा कि 2021 विधानसभा ख़त्म हो चुका है और यहां पे इस बार अगर कहे तो MIM ने खेल बिगाड़ा भी और खेल बनाया भी। और यहां पे MIM ने बड़ी जीत भी हासिल की, 5-5 सीटों पर अपना दावेदार पेश किए थे 20 सीटों में, लेकिन उसमें से 5 को अच्छा रिजल्ट भी मिला। जैसे जैसे दिन गुजरते गया अब पंचायती राज इलेक्शन शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आने वाले महज 2 महीनों में यहाँ पे पंचायती राज इलेक्शन चालू होने वाला है। और आज हमारे साथ है हमारे खास मेहमान डॉक्टर हसन रियाज साहब, जो कि क्षेत्र संख्या 7 से जिला परिषद प्रत्याशी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आखिर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज के प्रति, डॉक्टर हैं, समाज सेवी भी हैं, तो फिर उनको राजनीति में आने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई है, पर्पस क्या है राजनीति में आने का। तो चलिए बात करते हैं हमारे हसन भाई से। सर पहले ये बताइए कि आप राजनीति का रास्ता क्यों चुने? हमारे यहाँ के सबसे पहले मैं आपके जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं सबों को सलाम आदाब और नमस्कार पेश करता हूँ। राजनीति में आने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है मेरा कि मैं इतने दिनों से अपने यहाँ रहा, मैं लोगों को सुख दुख दर्द में देखा कि कोई शामिल नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह कि लोग आपको जो वोट देते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने कुर्सी में बैठने के लिए, आपको उसके पास पहुंचना होगा, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है वो आपको देखना होगा, किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास राशन कार्ड है, उसके लिए मनमानी होता है। आधार कार्ड के यहाँ चले ये मनमानी होता है, आपके यहाँ मोटेशन का मामला में चले ये आपके यहाँ मनमानी हो पाता है, बहुत सारी चीज़ों में आपके यहाँ किसी भी पंचायत में बताइए कि पंचायत के जो अस्पताल है वो खुले हैं, किसी भी पंचायत के किसी पंचायत में अस्पताल भी नहीं है। जैसे दसिया टोली पंचायत में उसमें डॉक्टर नहीं आते हैं, डॉक्टर डिप्यूटेशन में कहीं और, मैंने बात की कई बार, उस हॉस्पिटल को मैंने खुलवाया लेकिन उसमें 2 या 4 घंटे के लिए फिर सिर्फ आता है फिर चले जाता है। अगर हम जैसे लोग अगर ऐसे पॉलिटिक्स में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में सारे पंचायत में हॉस्पिटल का ओपनिंग करवाएंगे। सभी पंचायतों को मैं अपने तरफ से एक एम्बुलेंस फ्री दूंगा, जो लोग को जाने के लिए सहूलियत होगी कहीं डॉक्टर के यहाँ। बहुत सारी चीज़ है, मैं अपना सेवा दूंगा 24 घंटे, लोग 12 घंटे करने के लिए शर्माते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अगर लोगों ने मुझे कामयाब किया तो मैं आने वाले समय में 24 घंटा ड्यूटी दूंगा लोगों को। हर सभी इंसान के सुख दुख दर्द में मैं काम आऊँगा। सर जैसे कि आप खुद डॉक्टर हैं और कह रहे हैं कि हम एम्बुलेंस देंगे, और देखा जाए तो एम्बुलेंस का लंबा खर्च पड़ता है, क्या लगता है ऐसे में आप दे पाएंगे एम्बुलेंस? ये आप अगर जानते होंगे तो कई जगह से आप मेरे बारे में पता, जैसे हबदिया एक गांव है वहाँ से पता कर सकते हैं कि हसन ने क्या किया लोगों के लिए। बहुत सारे जगह है, दसिया टोली साइड में बहुत सारा पेशेंट है, भूता कटहलबाड़ी में हार्ट अटैक का एक पेशेंट था उसको पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको जाकर के डाला साइड में एक पेशेंट था हार्ट अटैक का, हार्ट अटैक के खर्चा कमो बेस कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया आता, मैंने सिर्फ 35 से 36 हज़ार में 2 हार्ट अटैक के पेशेंट को मैंने ठीक किया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे समाज सेवा करने की चाहत है दिल में। मैं चाहता अगर लूटने का तो मैं किसी भी पेशेंट को लूट सकता हूँ, लेकिन जहाँ लोगों को अल्ट्रासाउंड करने में अगर 1000 रुपये लगता है, मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो सिर्फ 700 रुपये में हो जाता है। इसका मकसद है कि मैं कहीं ना कहीं लोगों को भलाई करना चाहता हूँ। सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक प्रत्याशी हैं, डॉक्टर हसन रजा को जनता वोट क्यों करे? जनता के लिए अब तक डॉक्टर हसन रजा ने क्या काम किया? देखिए अभी तक तो मैं सियासत में था नहीं, अभी तक तो मैं डॉक्टर के रूप में ही आपके पास हूँ। और मैं लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि मुझे नेता ना समझे, मुझे नेता समझ के वोट ना करे, मुझे बेटा भतीजा या अपना भाई समझ कर वोट करें। नौजवानों से कहता हूँ कि भाई समझ कर करें, औरतों से माओ बहनों से कहता हूँ कि भाई और बेटा समझ के वोट करें, सबों को कहता हूँ, बुजुर्गों भतीजा समझ के वोट करें। इसलिए कि मैं सियासत में अभी तक आया, इसलिए अगर आना चाहता तो बहुत पहले आ सकता था, लेकिन अभी इसलिए आया कि मुझे पहले एक एजुकेशन लेना था। और एजुकेशन में, हायर एजुकेशन लेने के बाद आप किसी के पास जाओगे तो आपकी बात की सुनवाई सबसे पहले होगी। और मैं इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ इसलिए आया हूँ कि लोगों के आगे मैं अच्छा सेवा कर सकूँ लोगों का। और बहुत सारे लोगों का मैंने सेवा किया, जिस तरह से भी हो, राजनीति में नहीं रहते हुए मैं डॉक्टर के माध्यम से ही जितना हो पाया लोगों का, मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ जितने भी लोग हैं आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं कि डॉक्टर हसन रिया ने लोगों के लिए क्या सेवा करता है। सर आप मुद्दे से बात याद आई कि आपका मुद्दा क्या है इलेक्शन का, किन मुद्दों को लेके आप लोगों के तक पहुंचेंगे? मुझे सिर्फ 3 मुद्दे पे मैं काम करूंगा, मैं जितने भी जगह जाता हूं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि मैं 3 मुद्दे पे सिर्फ लोगों का काम करूंगा। पहला एजुकेशन का रहेगा, एजुकेशन में जैसे बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में स्कूल के टीचर
इतना अच्छा एजुकेशन देता है कि बच्चे अलीगढ़ और जामिया क्वालिफाई करते हैं। इसके बनिस्बत हमारे जो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है उनके अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा सलाहियत दी है, तभी तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पोस्टेड हैं। लेकिन उन लोगों पर इतना ज़्यादा सरकार ने काम का लोड बढ़ा दिया है कि उनको खिचड़ी बांटने के लायक सिर्फ छोड़ दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार के पास इस बात का आवाज़ पहुँचाया जाएगा कि हमारे इलाके में सीमांचल काफ़ी पसमानदा एरिया है, इस एरिया में हम सोचते हैं कि टीचरों को पढ़ाने के लिए सिर्फ काम दिया जाए। आपको खिचड़ी बांटने का काम करवाना है आप किसी और से करवाइए, लेकिन हमारे टीचर हमारे इलाके के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए हैं, आप सिर्फ हमारे बच्चों को पढ़ाए। और टीचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सलाहियत है, इसलिए मैं टीचर से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी मेरे उस्ताद रहे होंगे, कोई अगर सुन रहे होंगे तो मेरे उस्ताद, क्योंकि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। लेकिन हमारे बच्चे जितने भी हैं उन सबों से भी कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, और टीचर को भी चाहिए कि अच्छे से बच्चे को पढ़ा करके कामयाब कराए। और मेरा जो और स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता है लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता। मैं अपने खर्चे में हर एक पंचायत में एक एक स्कूल का मैं गार्डन उसमें सजने का सजाने में जितना खर्च आएगा सात पंचायत में सात स्कूल में मैं करूँगा सिर्फ, यानी कि हर स्कूल में नहीं सिर्फ सात पंचायत में सात स्कूल में करूँगा। दूसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा कि मैं अपने से जितना आप लोगों के लिए सेवा कर पाऊँ 24 घंटे दिन रात मैं आप लोगों के लिए जो सेवा कर पाऊँ 5 साल तक मैं वो सेवा दूंगा। तीसरी मेरा ये है कि मैं आप सबों को इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप सब मुझे कामयाब करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मकसद छिपा होता है, कहीं ना कहीं लालच छिपा होता है। मैं अगर आपको बोलता हूं तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है कि डॉक्टर हसन रजा जो बोल रहा है मैं एम्बुलेंस दूंगा, मैं वादे से मुकरने वाला नहीं हूं, क्योंकि वादे से मुकरता तो मेरा जो रास्ता है वो बहुत ही उम्दा कमाई का रास्ता था, मैं उस रास्ते को छोड़ के पॉलिटिक्स में नहीं आता। मैं आप सबों से वादा करता हूं कि आप लोग अगर मुझे इस हसन रजा को कामयाब करते हैं तो मैं आपको यकीनन मानो दोस्तों कि मैं आप सबों को एक एम्बुलेंस मुहैया कराऊंगा जिसमें आप फ्री सेवा कर सकते हैं, सिर्फ तेल डालकर आप कहीं भी दूर की सफ़र कर सकते हैं। प्रयास से रहूँ और लोगों के बीच आया हूँ तो सिर्फ ये दो दिन की यारी या दोस्ती के लिए नहीं आया हूँ कि अभी इलेक्शन आया है तो फलाना जगह फलाना आदमी मर गया मैं वहाँ जाऊँगा, फलाना जगह फलाना घटना हुआ। मेरी आप अगर हिस्ट्री जानते होंगे रियाज भाई तो आप जानते होंगे कहीं पे भी कोई मुद्दा होता मैं उस पे पहुँचता हूँ, चाहे थोड़ा विलम्ब हो चाहे स्पॉट पे हो, कहीं पे भी कोई मुद्दा मैं पहुँचता हूँ और ता हयात तक जब तक अल्लाह ने मेरी सांस रखेगी जब तक मेरे अंदर कुव्वत रहेगा मैं लोगों के बीच जाऊँगा चाहे मैं सियासत में रहूँ या ना रहूँ। तो ये थे हमारे क्षेत्र संख्या 7 के डॉक्टर हसन रजा साहब जो कि जिला परिषद प्रत्याशी हैं, इन्होंने अपनी बातों को रखे और क्या क्या इनका सोच है आगे आगे क्या करना चाहते हैं इनके मुद्दे क्या हैं सभी को आपने देखा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स और हमारे चैनल को दिया। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।